ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला बिलासपुर के अंतर्गत उपमंडल स्वरघाट में व्यापार मंडल की अगुवाई में स्वरघाट बाजार में रोष रैली निकालते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। व्यापार मंडल स्वरघाट ने विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार से मांग की कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वरघाट में जल्द डॉक्टरों को तैनात किया जाए, अन्यथा जनता को चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर चक्का जाम करने को मजबूर होना पड़ेगा। स्वरघाट बाजार व SDM कार्यालय के बाहर प्रदर्शन के बाद SDM स्वरघाट सुभाष गौतम को ज्ञापन सौंपा गया। जिला बिलासपुर के अंतर्गत उपमंडल स्वरघाट में व्यापार मंडल की अगुवाई में स्वरघाट बाजार में रोष रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। व्यापार मंडल स्वरघाट ने विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार से मांग की है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वरघाट में जल्द से जल्द डॉक्टर की तैनाती की जाए, अन्यथा जनता को चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर चक्का जाम करने पर मजबूर होना पड़ेगा। स्वरघाट बाजार व SDM कार्यालय के बाहर प्रदर्शन के बाद SDM स्वरघाट के माध्यम से ज्ञापन भी भेजा गया। व्यापार मंडल स्वरघाट के धरना प्रदर्शन में महिला मंडल धार भरथा की प्रधान कौशल्या देवी सहित सदस्यों व कहलूर युवक मंडल स्वरघाट के प्रधान के अलावा कई अन्य लोग मौजूद रहे। वह सरकार से मांग है कि जैसे हंडूर कलूर बड़ावर इलाका यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है। सरकार को कई बार लिखा, प्रशासन को कई बार लिखा, परंतु हमारा जो है अनदेखी की जा रही है। यहाँ पे गंबरपुर या वहां से लेकर कहीं जो एक्सीडेंट होते हैं वहां पे डॉक्टर कोई नहीं है। जैसे हम एम्बुलेंस गांव में बुलाते हैं, चाहे हंडूर में बुलाते हैं, चाहे कलूर में बुलाते हैं, तो एम्बुलेंस वाला पहले स्वरघाट लाएगा तो उस मरीज को क्या चेक करेगा जहाँ डॉक्टर नहीं हो। और उस ट्रामा सेंटर खोला है, ट्रामा सेंटर खोल रखा है, उसमें कोई डॉक्टर नहीं आया आज तक। हमारी कोई विरोध नहीं है, हम कोई सड़क जाम नहीं करेंगे, हम कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमारा जो है शांतिपूर्वक जो है धरना रहेगा। अगर आज जो SDM साहब हमारी सरकार तक आवाज पहुंचाते हैं और सिविल डॉक्टर आता है तो सरकार का हम धन्यवाद करते रहेंगे, सरकार का हम विरोध करते रहेंगे। और हमारा अधिकार है, कानूनी अधिकार है, हमें भी डॉक्टर चाहिए। क्यों हमारा इतना बड़ा पंचायत है, कुटाला पंचायत सबसे बड़ी है, तो यहाँ हमारे को बहुत ज्यादा दिक्कत है डॉक्टर की। कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है, बच्चे बुजुर्ग, तो हमें बड़ी दिक्कत है। डॉक्टर हमें भी चाहिए, हम भी पकड़ा यही चाहते हैं, यही मांगे डॉक्टर चाहिए। व्यापार मंडल स्वरघाट के प्रधान महेंद्र सिंह राणा ने लोगों के साथ मिलकर प्रशासन व प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो 2 हफ्ते के भीतर कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई तो नेशनल हाईवे को जाम कर दिया जाएगा। इसके साथ ही मांगे पूरी नहीं करने पर SDM कार्यालय स्वरघाट के समक्ष 2 हफ्ते बाद अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठकर धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। अपन देखा SDM साहब को टाइम देंगे, हम 10 दिन का इसके ऊपर टाइम लिखा है। उसके बाद अगर सरकार ने हमारी आवाज नहीं सुनी तो फिर उग्र आंदोलन होगा। ये जो हमारा आंदोलन था, ये जो था, ये हमने सिर्फ व्हाट्सएप पे पाया था या ग्रुपों में डाला था हमने, इसलिए लोग अपने आप आ गए। जब हम घर घर जाकर लोगों को बताएंगे ये समस्या, तो लोग और आएंगे। फिर वो सारी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी, सरकार की होगी, जो भी होगा फिर देखा जाएगा। जी ने बताया कि यहाँ पे डॉक्टर नहीं है स्वरघाट में, यहाँ जो बैटरनरी है वहाँ भी डॉक्टर नहीं है, सिर्फ एक फार्मासिस्ट बैटरनरी में है, एक या दो फार्मासिस्ट ऊपर है, और कोई दवाई नहीं है हॉस्पिटल में, कुछ नहीं। हमारे पुलिस वाले भाई भी कई बार परेशान होते हैं, जैसे किसी का कोई मेडिकल कराना हो इनको भी कहीं आगे पीछे जाना पड़ता है, ये भी परेशान है इस चीज से। तो हम ये चाहते हैं, जैसे कोई गऊ बैल घायल हो जाता है यहाँ पे, उसका कोई उपचार नहीं होता, तो हमने काफी गऊएं लुधियाना भेजी हॉस्पिटल में, कोई गौशाला में भेजते हैं। हम लोकल लोगों से पैसे लेकर उनका इलाज भी कराते हैं, कोई दवाइयां लेते हैं, कोई कहाँ भेजते हैं उनको। यहाँ कोई नहीं है, ना कोई डॉक्टर होता है यहाँ पे, यहाँ कोई नहीं है। एक लड़की है यहाँ पे फार्मासिस्ट, दूसरी लड़की छुट्टी पे है जो फार्मासिस्ट है, यहाँ बैटरी में हॉस्पिटल में भी ऊपर ही हाल है। जो स्वास्थ्य केंद्र स्वरघाट का है, लगभग 2-2.5 साल से यहाँ ना कोई डॉक्टर है, ना दवाई मिलती है यहाँ पे, यहाँ बहुत बुरा हाल है। जम्मू कश्मीर से तो मोदी साहब ने धारा 370 खत्म कर दी, लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि स्वरघाट में अपना कौन सी धारा लगाई है, जो यहाँ पे ना कोई डॉक्टर है, ना यहाँ दवाई मिलती है, यहाँ कौन सी धारा है? इसका भी मैं पत्रकार भाइयों को बोलना चाहता हूँ कि ये भी सरकार से पूछा जाए कि स्वरघाट में कौन सी धारा लगाई है, किस धारा के तहत यहाँ डॉक्टर नहीं है, ना वेटरनरी में, ना हॉस्पिटल में, ये लोगों को बताया जाए या क्या कारण है, यहाँ डॉक्टर नहीं है, क्या कारण है यहाँ पे, यहाँ MLA अपोजिशन का है या कुछ और है। लेकिन जो हमारे साथ चले हैं भाई बहन है, जो हमारे साथ चले हैं, ये तो सभी पार्टियों के है, ना ये कोई कांग्रेस का है, ना BJP का, सभी पार्टियों के है। लेकिन इतना बड़ा स्वरघाट और कहलूर हंडूर बॉर्डर एरिया है स्वरघाट का, नालागढ़ का और बिलासपुर का सब डिविजन है यहाँ पे। SDM साहब यहाँ बैठते हैं, 2 तहसीलदार साहब यहाँ बैठते हैं, लेकिन सुविधा के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है। आज
स्वारघाट के व्यापार मंडल एवं अन्य संस्थाओं के लोग जो है उन्होंने ज्ञापन यहाँ पे सौंपा है, जिसमें जो यहाँ पे पीएचसी है उसमें चिकित्सकों के पद खाली पड़े हुए हैं उसको भरे जाने की मांग की है। इसके अतिरिक्त जो पशु चिकित्सालय है वहाँ पे चिकित्सक का पद भरे जाने बारे मांग की है, और जो टाली जगात खाना है वहाँ पे जो गौशाला है उस गौशाला को फंक्शनल करने के बारे में उन्होंने अपनी मांग रखी है। तो ये मांगे जो है हम सरकार के ध्यान में भी लाएंगे और इस पे जो भी एक्शन होगा उसका फॉलो अप करते हुए चाहेंगे कि ये लोगों की जो जेन्युइन समस्याएं हैं उनका निवारण हो और जो है लोगों को स्वारघाट में सुविधा मिल पाए, चाहे चिकित्सकों की है चाहे जो आवारा पशुओं से है उनसे निजात। आपको बता दें कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वारघाट नेशनल हाईवे चंडीगढ़ मनाली के साथ सटा हुआ है और हर रोज नेशनल हाईवे पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ऐसे में घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाने पर डॉक्टरों की कमी होने के कारण तुरंत प्राथमिक उपचार नहीं मिल पाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वारघाट में डॉक्टर नहीं मिलने पर फार्मिस्ट द्वारा मजबूर होकर बीमारी की हालत में व घायलों को पीजीआई रेफर करना पड़ता है, जिस कारण कई बार गंभीर घायल रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं।